आधार पर शादी कर शारीरिक संबंध बनाने और उसके बाद फिरियादी के साथ मारपीट करने का मामला नंदनगंज पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक चित्रंजन चांदुरे ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार नंदनगंज पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 21 वर्षीय फिरियादी एक केक शॉप में काम कर रही थी, जिस दरमियान छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी धवल सोने की फिरियादी से दोस्ती हुई। आरोपी ने फिरियादी से दुर्ग छत्तीसगढ़ जाकर शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद फिरियादी को समझा कि आरोपी की पहले ही शादी हुई है और आरोपी की एक बेटी भी है। इस बारे में फिरियादी ने आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने फिरियादी से मारपीट की और उसे नागपुर छुड़ाया। लेकिन इस बीच आरोपी ने फिरियादी के रिश्तेदारों को उसके अश्लील फोटो और वीडियो भेजे, जिसकी वजह से फिरियादी को फिर आरोपी के पास लौटना पड़ा। हालांकि इस दरमियान भी आरोपी ने फिरियादी से अनैतिक संभोग किया और मारपीट की। इसके आधार पर फिरियादी ने नंदनगंज पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक चित्रंजन चांदुरे ने अधिक जानकारी साझा की। आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य पीड़ित मुली ने पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली की 4-5 महिन्यापूर्वी त्याची इथे नागपूरमध्ये ओळख झाली होती। ती मुलगी एका केकच्या शॉपीमध्ये काम करत होती आणि तिथे त्यांची ओळख झाली। तो मुलगा ग्राहक होता तिथला, तर त्याला तिला खोटं सांगण्यात आलं, नोकरी आहे, मोठा बिझनेस आहे, फ्लॅट आहे। आता त्या यामध्ये ती मुलगी फसली आणि ती स्वतः छत्तीसगड राज्यात निघून गेली ते सोबत, आणि तिथे त्यांनी लग्न वगैरे केलं। दरम्यान त्यांनी त्या मुलीशी अनैसर्गिक संबंधसुद्धा केले। त्यानंतर ती परत आली होती आणि पुन्हा त्याच्या दबावात त्याचे असलेले व्हिडिओ तिचे बनवलेले होते, फोटोग्राफ्स वगैरे, त्या बेसवर त्या पीडित मुलीला धमकी देत होती। त्यामुळे ती पुन्हा परत गेली, तेव्हा तिला मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे, अनैसर्गिक कृत्य करणे यासारख्या घटना तिच्यासोबत घडलेल्या आहे। या त्रासाला कंटाळून तिने पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली आणि त्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशन नंदनवन येथे गुन्हा नोंद केलेला आहे। आरोपी सध्या अटक व्हायचा आहे, त्याचा आम्ही शोध घेत आहे। पुलिस द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।